शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 11 हो गई है। ऐसे में संबंधित इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। इन इलाकों में फीवर क्लिनिक खोले गए हैं। इसके बावजूद विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर जनता नाखुश है। सारी दुनिया मानो अभिमन्यु की तरह कोरोना संकट के जाल में फंस चुकी है। इससे बाहर निकलने का रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। बेहद नई और जटिल तरह की इस चुनौती को मात देने के लिए हर देश और हर राज्य अपनी विभिन्न पद्धतियों को अमल में लाकर कोरोना से बचाव में लगा है। ऐसे में दिग्रस शहर में भी कोरोना से बचाव के लिए सोमवार से दिग्रस बंद का ऐलान किया गया। वही स्थानीय प्रशासन सतर्क तो दिख रहा है, पर अमल में लाई जा रही व्यवस्था से जनता नाखुश नजर आ रही है। रिपोर्ट लिखे जाने तक शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। ऐसे में संबंधित इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जा चुका है। वही कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए 4 दिन दिग्रस बंद का ऐलान भी हो चुका, जिसका आज दूसरा दिन है। मालूम हो कि कंटेनमेंट जोन में चांदनगर की 3 गलियां, घंटी बाबा मंदिर परिसर, देवनगर से सटे गोंडपुरा और विठल नगर परिसर का कुछ इलाका शामिल है। इन इलाकों को सील कर स्थानीय प्रशासन ने यहां पुलिस, होमगार्ड और नगरपालिका कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से फीवर क्लिनिक भी खोल दिए। बावजूद इसके कंटेनमेंट जोन के लोग स्थानीय प्रशासन से रोजाना परिसर को सैनिटाइज करने, साफ सफाई करने और मास्क आदि वितरित करने की मांग कर रहे हैं। तो हम इतना ही कहेंगे कि जैसा जो बंद बुलाने वाले लोग हैं, ये अपने अपने घरों में बैठकर अपने ऐशो इशरत की सारी चीज़ें एक जगह जमा कर लिए। गरीबों का सोचा नहीं गया और अब 7 दिन का बंद बुलाने के बाद में फिर उसको कम किया जा रहा है। ऐसा सुनने में है कि भाई वापस और 4 या 3 दिन करने वाले हैं। अब ये बाबा के बोल अंधी डिग्रस पे बिल्कुल सूट होने वाली एक बात है कि जिसके दिल में आ रहा बंद बुला रहा, जिसके दिल में आ रहा बस कम कर दो, खोल दो, चालू कर। और उसके बाद जो कंटेनमेंट एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन है, यहाँ पर इधर पूरा इस कंटेनमेंट जोन में जो बेसिक सुविधा है वो मुहैया नहीं की गई है। यहाँ पर आए दिन बिजली की प्रॉब्लम है, स्वच्छता साफ सफाई की प्रॉब्लम है और दीगर जो लोगों को किराना वगैरह, ये लोग जो खड़े हैं इनके किराना लाने में ले जाने में बहुत परेशानी हो रही है। हर उन्होंने एक जोन में 4 लोग दिए लेकिन वो एक आदमी कितने लोगों को काम करेगा, ये एक तकलीफ हो रही है यहाँ पे। घंटी बाबा परिसर में रहता, जिस दिन ये पॉजिटिव यहाँ पर निकला एक पेशेंट, उस दिन प्रशासन ने एक बार पूरा एरिया सैनिटाइजर करे, उसके बाद में कोई ही यहाँ पर सैनिटाइज हुआ नहीं। वैद्यकीय सेवा यहाँ पर अवेलेबल है, वो अच्छी तरह से सर्विस दे रहे, पर हमारा पूरा एरिया रोज के रोज प्रशासन ने सैनिटाइज करने होना। गौरतलब है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि नगरपालिका प्रशासन से संपर्क बनाए रखकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश का हवाला दे तो रहे हैं, पर उनकी कोशिशों से प्रशासन द्वारा पहुंचाई जा रही मदद कंटेनमेंट जोन परिसर की जनता के मुताबिक अपर्याप्त है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को चाहिए कि वे जनता तक पर्याप्त मदद पहुंचाने के साथ ही लोगों के दिलों में बैठे हुए कोरोना के डर को दूर करने के लिए भी प्रयास करें। दिग्रस से NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।